हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो आज जो है गाइस, हम फिर से रमी कल्चर पे 101 पूल में प्ले करने वाले हैं। एंड गाइस, यहां पे हम जो है 6 राउंड में इजी विनर बनने वाले हैं। एंड गाइस, एक आपको मैं बताना चाहूँगा, वीडियो जो है 2 दिन बाद आ रही है। सो मुझे थोड़ा काम था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। सो इस चीज़ को अवॉइड करना, ओके। एंड गाइस, बातें इस गेम प्ले के फिर। सो गाइस, देख सकते हो हमारे पास फर्स्ट राउंड में फर्स्ट एंड सेकेंड लाइफ तो नहीं हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारे पास जोकर नहीं है। अगर हमारे पास ए जे आता है, यानी कि हमारा सेट या फिर एक सीक्वेंस नहीं हो जाती है, तो हम रिस्क ले सकते हैं। अगर जस्ट इसके ऑपोजिट होता है, यानी कि हमारे पास सेट या फिर सीक्वेंस नहीं अरेंज होती, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी बंदे प्ले कर लें, लेकिन गाइज यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे कितने प्लेयर प्ले करेंगे। अगर यहाँ पे 2 या फिर 3 प्लेयर प्ले करते हैं तो इसका बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि देखो जितने कम प्लेयर एक्टिव रहेंगे उतने ही आपके सेट या फिर सीक्वेंस नहीं होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर भाई यहाँ पे 4 या फिर 5 प्लेयर एक्टिव रहते हैं तो चुपचाप ड्रॉप ही कर दो। सो ऐसा ही होता है गाइज, यहाँ पे 4 प्लेयर एक्टिव थे, सो इस वजह से मैं ड्रॉप ही कर देता हूँ। एंड गाइज, हमारा सेट अरेंज नहीं हुआ था। मैं सोचा था कि हमारे पास ओपन ऐसे, मतलब कि जे का सेट या फिर 9-8 के साथ सीक्वेंस नहीं हो जाएगी तो हम रिस्क ले लेंगे, लेकिन भाई यहाँ पे तो कार्ड ही बंदा ऐसा डिस्कार्ड करता है, सो हम ड्रॉप ही कर देते हैं। एंड करते हैं गाइज इसी के साथ बैट स्किप, देखते हैं गाइज इन 4 प्लेयर में से कौन डिक्लेयर कर पाता है, ओके। सो फाइनली गाइज, यहाँ पे जो है फ्रंट प्लेयर आई मीन श्रवण नाम का बंदा जो है डिक्लेयर कर देता है, ओके। बंदे 23-30 एंड एक प्लेयर बचा, ये बंदा देखते हैं कितने पॉइंट से लॉस होता है। वैसे बंदों के 20+ तो पॉइंट लगे ही हैं। ओ भाई साहब, 80 पॉइंट डायरेक्ट, और इस बंदे के पास वैलिड कार्ड भी थे। मतलब देख रहे हो, बंदे के पास वैलिड कार्ड भी थे फिर भी बंदे की प्योर सिक्वेंस नहीं हो पाई। ये होता है गाइज, मतलब एक आपका डिसीजन सही लेने का, मतलब कि अगर हम भी रिस्क लेते ना तो शायद हो सकता था हमारे जो है 40+ पॉइंट ईजी लग जाते, लेकिन हमने पेशेंस के साथ जो है फैसला लिया कि हम ड्रॉप ही कर देंगे, तो हमारे लिए एडवांटेज था। अब हो सकता है काफ़ी बंदे यहाँ पे प्ले करते, लेकिन भाई जब ऐसे कार्ड होते हैं ना तो काफ़ी बार, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सीक्वेंस नहीं हो पाती, हो भी जाती है, बट वो सिचुएशन गाइस रेयर होती है, यानी कि ओनली 10% चांसेस हैं आपके, मतलब प्योर सिक्वेंस नहीं होने के। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि किसी बंदे के पास 4 या फिर 5 जोकर होते हैं, लेकिन भाई उस बंदे की फिर भी प्योर सिक्वेंस नहीं हो पाती। तो किसी के पास ऐसा होता कि फर्स्ट एंड सेकंड लाइफ रेंज होती है तो थर्ड लाइफ नहीं रेंज हो पाती, यानी कि ओनली 10% चांस होते हैं। खैर छोड़ो, कोई नहीं। सो इस बार गाइस अगेन हमारे पास कार्ड थे नहीं, सो हम इस बार भी ड्रॉप कर देते हैं एंड अगेन कर देते हैं बैट स्किप, ओके। तो फाइनली गाइज यहाँ पे जो है सेकेंड लेफ्ट प्लेयर डिक्लेयर कर देता है, लेकिन गाइज यहाँ पे बंदा देखो डायरेक्ट 80 पॉइंट से लॉस हो जाता है, और यहाँ पे 1v1 की सिचुएशन थी जिस वजह से बंदे के हाईएस्ट पॉइंट लगते हैं, और भाई साहब डायरेक्ट एलिमेंट। और जो बंदा एलिमेंट हुआ है ना, वो बंदा ओनली सिंगल जॉकर से रिस्क ले रहा था, लेकिन उस बंदे पास वैलिड कार्ड थे, बट अब क्या ही कर सकते हैं भाई, ऐसा हो जाता है। सो अगेन गाइज कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, इस बार गाइज हमारे पास 2 जॉकर हैं एंड थोड़े वैलिड कार्ड है, सो इस बार हम प्ले कर सकते हैं क्योंकि हाई कार्ड है। लेकिन भाई देखो 23 पॉइंट बंदे ने ओपन से जे पिक किया था, और इसी के साथ ये बंदा किंग डिस्कार्ड करता है, और मैं सोच रहा हूँ ये बंदा अगर ड्रॉप कर देगा तो हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाएगी, और ऐसा होता है गाइस ये बंदा ड्रॉप कर देता है, सो हम किंग पिक कर लेते हैं और इसी के साथ हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाती है। सो हम क्वीन का भी सेट रेंज कर सकते हैं, वैसे हम क्वीन का सेट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्वीन का सेट रही नहीं करेंगे, हम जो है डायमंड क्वीन को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे 9 भी डिस्कार्ड कर सकता था, लेकिन आपको पता ही होगा बंदे जो है फॉलो बहुत ही कम करते हैं, ओके। यहाँ पे 100 पॉइंट वाला बंदा चलो बढ़िया प्ले करेगा, मैं सोचा था अगर गलती से भाई 20 पॉइंट वाले बंदे के पास क्वीन चली जाती तो हो सकता ये बंदा डिक्लेयर कर सकता था। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसा कि मान लो कि 100 पॉइंट वाले बंदे को क्वीन की नीड नहीं है, लेकिन भाई 20 पॉइंट वाले बंदे को अगर नीड होती ना तो इसका इसको बेनिफिट मिलता, वो तो अच्छा होगा कि 100 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहा है, बट हाँ ऐसा भी हो सकता है कि इसको नहीं भी नीड हो सकती।
सो देखते हैं गाइस, इस बार बंदे ने जे डिस्कार्ड किया, सो हम नाइन डिस्कार्ड कर सकते हैं और नाइन के कड़ी हमारे पास एट आ सकता है, लेकिन बंदा सिक्स डिस्कार्ड करता, कोई नहीं, क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं। ओके डायमंड जे, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। हमने क्वीन डिस्कार्ड की थी, बंदे ने पिक नहीं किया, और जे भी क्या ही पिक करेगा, चांसेस तो बहुत ही कम है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास एक सेट या फिर सीक्वेंस और अरेंज हो जाए। ओ भाई साहब, ये बंदा तो ड्रॉ भी कर देता है 100 पॉइंट बंदा। वैसे ऐसा हो सकता है किसी बंदे के पास मेरे सामने जॉकर नहीं होगा, तभी बंदे ने ड्रॉप किया, क्योंकि देखो वो सोचा होगा कि हम टाइम वेस्ट क्यों ही करें। अगर इस बंदे के पास वैलिड कार्ड है नहीं, तो बंदा सोचा होगा कि अगर प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाएगा तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन भाई उसके पास अगर प्योर सिक्वेंस रेंज नहीं हुई तो भाई इस वजह से उन्हें ड्रॉ भी कर दिया। शायद हो सकता है ये बंदा कोई और बेटर प्ले कर रहा हो, एक टाइम पे टू टेबल प्ले कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ओके भाई साहब, और देखो क्लब एट किस बंदे ने डिस्कार्ड किया गाइस। यहाँ पे तो मेरा मन टूट चुका था कि भाई हमारे पास एक कार्ड और वैलिड आ जाए, हर्ट में जे या फिर हर्ट में नाइन, लेकिन ये बंदा देखो क्वीन डिस्कार्ड कर रहा है। ओके हमारे पास एस आ चुका है, इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब देखो एस टू थ्री सीक्वेंस नहीं होने के चांसेस तो थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन गाइस हमारे पॉइंट देख सकते हो अभी भी 20+ हैं, और बंदे ने देखो फाइनली डिक्लेयर भी कर दिया। खैर अब क्या ही कर सकते हैं। ओके भाई 20 पॉइंट लगे हमारे, मैं सोचा था कि 20+ हैं, चलो बढ़िया 20 पॉइंट ही लगे। ओके लेकिन देखो जिस बंदे के 23 पॉइंट थे, ये बंदा ओनली 5 पॉइंट से लॉस होता है। खैर कोई नहीं, गेम प्ले में गाइस ट्विस्ट आएगा, टेंशन मत लो। मतलब कि अभी देख सकते हैं बंदे के 20-20 पॉइंट हैं, मतलब कि जब ट्विस्ट आता है ना तो भाई तभी मज़ा आता है, बस देखते जाओ। ओके सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव हो चुके हैं, डिसम्बर का हमारे पास एक जॉकर है लेकिन प्योर सिक्वेंस नहीं है, बट हाँ जे का सेट रेंज जरूर हो सकता है, किंग का भी सेट रेंज हो सकता है, लेकिन सेकेंड लाइफ नहीं है भाई। अब यहाँ पे मैं सोचा था कि ये बंदा अगर ड्रॉप कर देगा सो मैं रिस्क ले सकता हूँ। ओके और ऐसा होता है गाइस, ये बंदा ड्रॉप कर देता सो मैं किंग पिक कर लेता हूँ ओपन ऐसे। अब हो सकता है ये बंदा ड्रॉप कर दे, हमने ओपन ऐसे कार्ड पिक किया है ना, सो मैं एट डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब मुझे लग रहा था ये बंदा ज़्यादा प्ले करेगा या फिर ड्रॉप, लेकिन भाई ये बंदा ही प्ले करने लग जाता। अब जो भी होगा देखा जाएगा, हमको चाहिए प्योर सिक्वेंस। ओके भाई सिक्स डिस्कार्ड किया, एंड गाइज हमारे पास देख सकते हो क्वीन आ चुकी है, यानी कि हमारी अभी भी प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी है, मतलब कि हमने प्योर सिक्वेंस रेंज कर ली है, लेकिन अभी भी हमको सेकंड लाइफ चाहिए। सो हम डैन में जेड डिस्कार्ड कर ही देते हैं, क्योंकि हमारे पास डबल भी है और इसका हम क्या ही करेंगे डबल का, और हर्ट जे भी डबल है। सो मुझे ये डाउट था बंदा जे पिक कर सकता है हर्ट में, क्योंकि देखो अगर एक बंदे ने जे पिक नहीं किया तो दूसरा जे पिक करेगा। ओके भाई नाइन आ चुका है हमारे पास, और बंदे ने हर्ट से डिस्कार्ड किया, सो नाइन डिस्कार्ड करें या फिर हर्ट जे, चलो हर्ट जे डिस्कार्ड कर देते हैं, नाइन को होल्ड कर लेते हैं एक बार के लिए। अब नाइन भी तो मुझे डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा, मैं सोचा था कैसे भी करके मेरी सेकेंड लाइफ रेंज हो जाए। ओके और फाइनली गाइस हमारी सेकंड लाइफ तो रेंज हो चुकी है, सो हम डिस्कार्ड कर देते हैं नाइन को, क्योंकि देखो नाइन भी हमारे पास डबल ही है, सो बंदा पिक विक कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ओके लेकिन ये बंदा देखो नाइन के अकॉर्डिंग नाइन ही डिस्कार्ड कर रहा है भाई साहब। ओके वाओ गाइस हमारे पास जॉकर आ चुका, क्या बात है। सो मैं अगेन नाइन ही डिस्कार्ड करूँगा गाइस। अब नाइन के अकॉर्डिंग हो सकता है ये बंदा क्लब में ए डिस्कार्ड कर दे या फिर सेवन डिस्कार्ड कर दे, लेकिन बंदा हर्ट ए डिस्कार्ड कर रहा, कोई नहीं गाइस हम क्लोड से कार्ड पिक कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे, एंड यहाँ पे बूम गाइस हमारे पास फाइनली जॉकर आ जाता है। सो एक बार कार्ड चेक कर लेते हैं, एंड गाइस टू के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। अब गाइस हमने इस बंदे को एक भी कार्ड पिक करने नहीं दिया, तो हो सकता है ये बंदा डैट 80 पॉइंट से लॉस हो जाए। ओके और ऐसा होता है गाइज ये बंदा जो है ना डैट 63 पॉइंट से लॉस होता है, और इस बंदे को क्लब में जे की नीड थी, मतलब दे रहे हो गाइज गेम प्ले में ट्विस्ट।
अगर गाइस आपको ये गेम प्ले का पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। ओके सो गाइस बात कर लेते हैं इस राउंड की, यानी कि फिफ्थ राउंड की। हमारे पास ऐसा होता है इस बार तो टू जॉकर हैं, सो भाई इस बार तो प्ले करना बनता ही है। ओके डायमंड क्वीन आ चुकी है, सो इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं। अब हमारे पास डबल थी, सो क्या ही कर सकते हैं। सो अब देखते हैं गाइस हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाएगी तो गाइस बढ़िया ही है, अगर प्योर सिक्वेंस रेंज नहीं ना हुई तो भाई गलत सीन हो जाएगा। बट हाँ हमारे पास इस बार वैलिड कार्ड भी हैं, बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि 83 पॉइंट वाला बंदा तो प्ले ही करेगा और इसी के साथ 80 पॉइंट वाला बंदा प्ले कर रहा है भाई इस बार तो। ओके बंदे ने हर्ट 10 डिस्कार्ड किया है। अब मैंने ये दिमाग लगाया, हमने डायमंड क्वीन डिस्कार्ड किया तो बंदा हो सकता है क्वीन के अकॉर्डिंग स्पिस में 10 या फिर क्लब में 9 डिस्कार्ड कर दे, क्योंकि बंदे देखो जे तो नहीं निकालेंगे ना ही 10 निकालेंगे, तो 9 निकाल सकता है लेकिन ये बंदा तो वहाँ हिट 2 डिस्कार्ड करता है। ओके हमारे पास गाइस हर्ट 4 आ जाता है, सो मैं हर्ट किंग सॉरी क्वीन को अगेन डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि बंदे ने पहले पिक नहीं करी थी तो अगेन क्या ही पिक करेगा। बस गाइस कैसे भी करके ना हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाए, और यहाँ पे मुझे डाउट भी लग रहा था अगर प्योर सिक्वेंस रेंज नहीं ना हुई भाई साहब तो गलत सीन हो जाएगा, मतलब कि हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ये राउंड प्ले करने का। लेकिन लकली गाइस जो है बंदा 5 डिस्कार्ड कर देता है और इसी के साथ हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाती है, सो मैं हर्ट किंग डिस्कार्ड कर देता हूँ अब। लेकिन अभी हमारे पॉइंट देख सकते हो 20 से प्लस ही हैं, और देखो बंदे ने फाइनली डिक्लेयर भी कर दिया गाइस, मैं क्या ही बोलूं, मतलब हमने किंग डिस्कार्ड किया और इसी के साथ बंदे ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया और हमारे 31 पॉइंट लग के हो चुके हैं 91 पॉइंट। बट कोई नहीं अगेन कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, लेकिन इस बार गाइस देख सकते हो हमारे पास 4 जोकर हैं, यानी कि हमको प्योर सिक्वेंस नहीं चाहिए। ओके 6 आ चुका गाइस हमारे पास, सो हम 8 डिस्कार्ड कर देते हैं, वैसे डबल है, चलो इसी को डिस्कार्ड करते हैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। ओके लेकिन चलो बढ़िया बंदे ने पिक नहीं किया, अब हम 10 का सेट ट्राई कर लेंगे, बस कैसे भी करके हमको प्योर सिक्वेंस रेंज चाहिए। प्योर सिक्वेंस रेंज हो गया तो हम जो डिक्लेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ कार्ड जैसे हैं देख सकते हो काफ़ी सारे जॉब करें, बस चाहिए तो ओनली प्योर सिक्वेंस। लेकिन भाई साहब इस बार तो क्या ही बोलूं, 68 पॉइंट बंदा प्ले कर रहा है गाइस, और देखो गाइस इस बंदे ने किंग के साथ सेट रैंक किया था जिस बंदे ने डिक्लेयर किया अभी भी। ओके डायमंड 3 आ चुका है हमारे पास, सो हम 7 डिस्कार्ड करें या फिर 3, अब डायमंड 10 बंदे ने निकाला था, सो मैं 7 डिस्कार्ड कर देता हूँ। मुझे डाउट था बंदे के पास 8-9 ना हो तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन गाइस हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाए तो मज़ा है, और बंदे भाई साहब काफ़ी ख़तरनाक प्ले कर रहे हैं। देखो डायमंड 2 बंदा डिस्कार्ड कर रहा है, वो भी जानबूझकर, क्योंकि हम गलती करें कोई और इस जिसके साथ इस बंदे की प्योर सिक्वेंस रेंज हो पाए, इस वजह से बंदा ऐसे कार्ड डिस्कार्ड कर रहा है। और देखो भाई साहब एस किस बंदे ने डिस्कार्ड किया, मतलब क्या होता हमारे पास एस नहीं आ सकता, हर्ट क्वीन। ओके यहाँ पे हमारे पास जोकर आ चुका है, या नहीं जोकर नहीं आया, अभी हमने कार्ड पिक किया था। ओके डायमंड 8 आ चुका है, सो मैं डायमंड 3 डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि बंदे ने 2 डिस्कार्ड किया था। चलो बढ़िया बंदे ने ये भी पिक नहीं किया था, मुझे डाउट था कि ये भी बंदा पिक कर सकता है। ओके और बंदे ने देखो डायमंड 8 डिस्कार्ड किया, क्योंकि हमने डायमंड 7 डिस्कार्ड किया था इस वजह से, और देखो अभी भी डायमंड 9 आ सकता है, क्योंकि देखो डायमंड 10 निकल चुका है, डायमंड 8 निकल चुका है, डायमंड 7 निकल चुका है, सो 9 आने के चांसेस हैं। लेकिन भाई साहब बंदा तो कुछ और ही कार्ड डिस्कार्ड किया जा रहा है। खैर कोई नहीं गाइस हम क्लोडे से कार्ड पिक कर लेते हैं, अब बंदा फॉलो ना करे तो हम क्या ही कर सकते हैं। ओके यहाँ पे गाइस क्लब 9 आ चुका है, सो अब हम जे डिस्कार्ड करें या फिर 8 डिस्कार्ड करें, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लग रहा था बंदा कहीं पिक ना कर ले,
वैसे बंदे ने 8 पिक नहीं किया था तो चांसेस तो बहुत ही कम है कि बंदा जे पिक करे। सो इस समय के मैं जे डिस्कार्ड कर ही देता हूँ, लेकिन लकीली गाइस जो है बंदा जे डिस्कार्ड नहीं करता, लेकिन देखो डायमंड 2 डिस्कार्ड कर रहा है। और इस मुझे बंदे पे डाउट था कि ये बंदा कहीं डिक्लेयर ही ना कर दे, और देखो भाई साहब 7 किस बंदे ने डिस्कार्ड किया है। मैं सोच रहा हूँ गलती से ओनली 1 वैलिड कार्ड आ जाए हमारे पास, जिससे कि हमारी प्योर सिक्वेंस नहीं हो जाए, लेकिन भाई बंदे देखो हर्ट 9 डिस्कार्ड कर रहा है। मतलब कि जिस कार्ड की नीड हमको है वो कोई और डिस्कार्ड कर रहा है, और जिसकी हमको नीड नहीं है वो देखो ये बंदा डिस्कार्ड कर रहा है। अब देखो 8 आ चुका है, अब मैं सेट का क्या चार डालूं यहाँ पे। अब देखो 7 यहाँ पे निकल चुका था, सो हम 8 डिस्कार्ड करें या फिर 8 ही डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि देखो अब हो सकता है कॉपियाँ होती हैं डबल। मैं सोचा था कि 7 डबल हो सकता है आ जाए 7, सो इस वजह से मैंने 8 ही डिस्कार्ड कर दिया। अब हो सकता है काफ़ी बंदे यहाँ पे 8 का साइड ट्राइंग कर लेते, लेकिन गाइज आपको पता ही है कि फर्स्ट ओवरऑल हमको प्योर सिक्वेंस रेंज चाहिए कैसे भी करके। हम मुझे यहाँ पे ये डाउट था कि कहीं कोई बंदा क्वीन का सेट तो नहीं रेंज कर रहा, लेकिन गाइज देखो ये बंदा क्वीन डिस्कार्ड कर रहा है 68 मॉडल बंदा। ओके भाई साहब ये बंदा देखो अगेन 9 ही डिस्कार्ड कर रहा है। मैं सोचा था कि डायमंड में 9 डिस्कार्ड करेगा, लेकिन भाई साहब क्या ही बोलें, इतना खतरनाक प्लेयर भाई साहब। ओके देखो भाई साहब क्लब 2 आ रहा है हमारे पास। सब मैं कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करूं, मेरा कोई दिमाग नहीं यहाँ पे चल रहा था कि ऑलमोस्ट कार्ड निकल चुके हैं जो हमको नीड है, लेकिन हाँ अभी तक क्लब जे और क्लब एस और डायमंड 9 ओपन ऐसे नहीं निकला। अब मैं 8 अगेन डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब मुझे डाउट था क्योंकि इस बंदे ने डायमंड 2 2 बार डिस्कार्ड किया था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। सो इस वजह से मैंने 8 डिस्कार्ड किया। अब 7 तो यहाँ पे निकल चुका था ओपन ऐसे, सो मुझे नहीं लग रहा था कि अब हमारे पास 7 आएगा, सो इस वजह से मैंने 8 डिस्कार्ड कर दिया। अब हो सकता है ये बंदा इस बार 7 डिस्कार्ड कर दे, लेकिन गाइज लकली ये जो बंदा ना एस डिस्कार्ड कर देता है, और इसी के साथ हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाती है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ। एंड गाइज हम अब डिस्कार्ड कर देते हैं स्पिस में 6 को, क्योंकि बंदे ने 8 पिक नहीं करेगा किया था तो 6 क्या ही पिक करेगा, और ऐसा होता है गाइज ये बंदा पिक नहीं करता। सो फाइनली गाइज हमारी जो है प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी है, सो इस चीज़ के लिए आप एक लाइक कर सकते हो। सो देखो गाइज क्लब जे से बंदे ने डिस्कार्ड किया है, खैर बहुत तो अच्छा हुआ कि हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी है, लेकिन गाइज देख सकते हो कोई बंदा भी एक बंदे को कार्ड पिक करने नहीं दे रहा, मतलब इतने खतरनाक प्ले कर रहे हैं सभी। खैर कोई नहीं, हमको सिंगल कार्ड चाहिए। और गाइज फाइनली ये जो बंदा 4 डिस्कार्ड कर देता है, तो हम एक और सिक्वेंस रेंज कर लेते हैं, यानी कि सेकेंड लाइफ रेंज हो चुकी है। सो हम एक बार कार्ड चेक कर लेते हैं। ओके डबल जॉकर है गाइज इस बार तो हमारे पास, यानी कि 8 और 10 के में बीच में। सो 2 के साथ करते हैं शो, इसी के साथ डिक्लेयर। अब देखते हैं गाइज कितने प्लेयर एलिमिनेट हुए हैं। ओके एक प्लेयर एलिमिनेट हो चुका है, दूसरा सर्वाइव कर चुका है यानी कि 68 मॉडल बंदा। ओके और तीसरा प्लेयर देखते हैं। ओके गाइज ये बंदा भी डायरेक्ट एलिमिनेट हो चुका है। एंड गाइज हम इस बंदे को स्प्लिट पाई की क्वेस्ट सेंड करते हैं, और ये बंदा जो है ना काफ़ी बार सोचने के बाद, यानी कि पहले सोचता ये बंदा एक्सेप्ट करूँ या फिर ना करूँ, लेकिन फाइनली गाइज ये जो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है और हम इजी विनर बन चुके हैं। सो अगर गाइज आपको गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना।